Hare Krishna and a very good morning dear students. Students, in the previous class we read the four definitions of genders which were masculine, feminine, common and neutral gender. Okay, and today I am telling you some more exercise which is on page number 23, how to form feminine gender. ठीक है, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि feminine gender को कैसे form करते हैं. There are three ways in which a feminine gender can be formed from a masculine gender. किसी भी मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए थ्री रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं. ठीक है, द फर्स्ट रूल इज बाय एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलाइन जेंडर. फर्स्ट रूल है कि जब हम मैस्कुलाइन जेंडर में के एंड में ई डबल एस ऐड कर दें तो वो मैस्कुलाइन जेंडर जो है वो फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन कॉलम्स बने हुए, सेम ईयर मैस्कुलाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वर्ड्स के कॉलम बने हुए. ओके, सो यहाँ पर मैस्कुलाइन वर्ड दिए और यहाँ पर उनके फेमिनाइन वर्ड दिए हुए. अब पोइट में ई डबल एस ऐड करा तो पोइट मैस्कुलाइन जो है वो कन्वर्ट हो गया पोइटेस बना, दिस इज फेमिनाइन वर्ड. ठीक है, तो हमने पोइट के एंड में ई डबल एस करने पर पोइटेस बन गया. सेम सभी में इस जितने भी वर्ड्स हैं ना सब में ई डबल एस ऐड करने से मैस्कुलाइन वर्ड जो है वो फेमिनाइन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, पोइट मीन्स होता है कवि, पोइटेस मीन्स कवित्री, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, प्रीस्टेस मीन्स अगर वो लेडी है पुजारी, मंदिर में पुजारी लेडी है सो शी विल कॉल्ड प्रीस्टेस. ओके, लायन शेर, लायनेस शेरनी, प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, शेफर्ड मीन्स गडरिया, जो भेड़ों को चराता है ना उसको शेफर्ड बोलते हैं, और शेफर्डस अगर वो लेडी है तो उसको शेफर्डस बोलेंगे. ऑथर लेखक और लेखिका ऑथरेस, काउंट मीन्स, काउंट का मीनिंग होता है अ ब्रिटिश मैन ऑफ अ हाई सोशल पोजिशन. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा है सिर्फ आपको बताने के लिए, आप लोग आपकी बुक में इसको नोट नहीं करेंगे. ओके, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है बट आपकी बुक में इस तरह से नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है तो आप कहीं पर ही दूसरी जगह इसको नोट करके रखिएगा. ठीक है, सो काउंट का मीनिंग होता है ब्रिटिश मैन ऑफ अ हाई सोशल पोजिशन, कोई एक ब्रिटिश मैन जो ब्रिटेन के लोग होते हैं वो जो बहुत अच्छी पोस्ट पर हो कोई, ठीक है, जिसकी सामाजिक मतलब काफ़ी रिच हो, वो सोशल पोजिशन उनकी काफ़ी हाई हो, ठीक है, तो उनको बोला जाता है काउंट, और वो अगर लेडी है तो वो क्या कहलाएगी, काउंटेस. ठीक है, उसके बाद हायर, हायरस, हायर मीन्स होता है वारिस, जैसे किसी भी राजा का वारिस कौन होता था, राजा का वारिस उनके होंगे राजकुमार. ठीक है, और अगर वो राजकुमारी है तो मतलब अगर लेडी है हायर मीन्स होता है वारिस, और अगर वो लड़की वारिस है तो उसको क्या बोलेंगे, हायरेस. ठीक है, होस्ट का फेमिनाइन होगा होस्टेस, होस्ट मीन्स होता है जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनको बोला जाता है गेस्ट, और आप क्या होंगे, होस्ट होंगे, मेजबान, होस्ट को बोलते हैं मेजबान, तो अगर वो मेल है तो होस्ट कहलाएगा और वो फीमेल है तो वो होस्टेस कहलाएगा. ठीक है, नेक्स्ट रूल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समटाइम्स द फॉर्म इज स्लाइटली चेंज्ड बिफोर ई डबल एस इज एडेड. कभी कभी क्या होता है, अभी हमने पहले देखा कि हम सिंपल मैस्कुलाइन वर्ड के एंड में ई डबल एस ऐड कर रहे थे और उसमें हमको कुछ भी चेंज नहीं करना था, सिर्फ ई डबल एस ऐड कर दे रहे थे तो मैस्कुलाइन वर्ड फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाना था. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको मैस्कुलाइन वर्ड में कुछ थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हमको करना पड़ता है उसमें, तो अब वो वर्ड फेमिनाइन वर्ड में कन्वर्ट होता है. अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि हंटर वर्ड लिखा है, हंटर का मीन्स शिकारी, ठीक है, हंटर का फेमिनाइन होगा हंट्रेस, हंटर की स्पेलिंग है एच यू एन टी ई आर, लेकिन हमने हंट्रेस में यहाँ पर एच यू एन टी आर ई डबल एस, यहाँ पर टी ई आर में ई हटा दिया है इसका, तो एच यू एन टी आर ई डबल एस, हंट्रेस की स्पेलिंग ये होगी. ठीक है, सेकेंड वर्ड आप देखिए टाइगर, टाइग्रेस, यहाँ पर भी टी आई जी ई आर है तो यहाँ पर टी आई जी आर ई डबल एस, टाइग्रेस, जब आप इसको बोलेंगे देखिए टाइग्रेस, कैसे आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे कि जब आप टी आई जी ई आर ई डबल एस तो नहीं लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, टाइग्रेस, तो इसकी स्पेलिंग में ई, यहाँ पर टी आई जी ई आर में ई हट जाएगा, यहाँ पर जी और आर के बीच का ई हट जाएगा. ठीक है, थर्ड वर्ड है सॉन्गस्टर, सॉन्गस्ट्रेस, यहाँ पर भी देखिए सॉन्गस्टर एंड सॉन्गस्ट्रेस, यहाँ पर इसमें सॉन्ग एस टी ई आर में एस टी आर ई डबल एस हो गया स्ट्रेस. एक्टर एक्ट्रेस, सेम यहाँ पर टी ओ आर था तो यहाँ पर टी एक्ट्रेस की स्पेलिंग में टी ओ हट गया, एक्ट्रेस हो गया ये. ठीक है, ड्यूक डचेस, ड्यूक में डी यू के ई स्पेलिंग होती है, उसका हो गया डी यू सी एच ई डबल एस, डचेस. ठीक है, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट ही हो गया है.
स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर सॉन्गस्टर इसका मीनिंग नहीं बताया था. सॉन्गस्टर होते हैं फ्लुएंट एंड स्किलफुल सिंगर, ठीक है, जो काफ़ी फ्लुएंसी में गाना गाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे गायक, उनको बोला जाता है सॉन्गस्टर. और कोई लेडी है तो सॉन्गस्ट्रेस. ड्यूक मीन्स होता है नवाब, राजा, और वो कोई लेडी है अगर तो डचेस हो जाएगा. एम्परर, एम्प्रेस. एम्परर मीन्स होता है शासक, शासन करने वाला, और उनके लिए फेमिनाइन वर्ड होगा एम्प्रेस. यहाँ पर भी आप स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर देख रहे होंगे. एम्परर में PER और इसमें एम्प्रेस, एम प्रेस, ठीक है. जब आप इसका प्रोनंसिएशन करेंगे ना, आपको प्रोनंसिएशन प्रॉपर आएगा ना, तो आपको इसकी स्पेलिंग बिल्कुल भी लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी कि मैं इसमें से क्या लेटर ओमिट करना है इसमें से, ठीक है. तो आपको एम्परर, एम्प्रेस, तो आप इसको एक चीज़ आप अपनी हैबिट में ले आइए कि ये सारे वर्ड्स जो हैं आप बिल्कुल याद भी करते जाइएगा साथ में, ठीक है. बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस. बेनिफैक्टर मीन्स होता है परोपकारी, ठीक है, और वो कोई लेडी है तो बेनिफैक्ट्रेस. देखिए बेनिफैक्टर, तो फैक्टर की स्पेलिंग होगी वहाँ पर ही बेनिफैक्ट्रेस, फैक्ट्रेस की स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है. मास्टर, मिस्ट्रेस. मास्टर मीन्स एक स्किलफुल पर्सन, ठीक है, किसी भी चीज़ में मास्टर होना, और वो कोई लेडी है तो मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस, ठीक है. फाउंडर, फाउंड्रेस. फाउंडर मीन्स किसी भी चीज का पता लगाने वाले, फाउंडर, ठीक है, और वो कोई लेडी है तो फाउंड्रेस. आपको स्पेलिंग से ही समझ में आ रहा होगा फाउंडर की स्पेलिंग होगी और फाउंड्रेस, फाउंड्रेस. वेटर, वेटर, वेट्रेस, ठीक है. गॉड, गॉडेस. गॉड मीन्स भगवान, और वो कोई देवी है अगर तो गॉडेस, GODDESS, गॉडेस. गवर्नर, गवर्नेस. गवर्नर मीन्स राज्यपाल, और वो लेडी है अगर तो, अगर मेल है तो गवर्नर, और वो कोई लेडी है तो गवर्नेस, ठीक है. तो आपको स्पेलिंग अगर आप लर्न करेंगे तो इनको मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर को अगर आप इस तरह से देखते हैं ना, तब भी हमको स्पेलिंग फॉर्म करना आ जाता है कि गवर्नेस, इस तरह से आप स्पेलिंग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. चलिए आगे देखेंगे. Study how to following feminines are formed. ये इस तरह से इनके masculine के feminine कैसे बनाते हैं. Hero का heroine. Hero, hero की spelling क्या हुई? Heroine, I-N-E, in, heroine. Widower, widow. Widower एक masculine word है. Vidur बोलते हैं इसको. Vidur और vidva. W-I-D-O-W. Lad, लड़का, और less होती है लड़की. So this is a masculine word and this is a फेमिनाइन वर्ड, ओके. आप कुछ और यहाँ पर देखेंगे बाय डिफरेंट वर्ड. आप कुछ और मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर देखते हैं. ब्रदर का होता है सिस्टर. बुल, काउ. बुल मीन्स होता है बैल, काउ मीन्स गाय. कॉक का जेंट फेमिनाइन होता है हैन. कॉक मीन्स मुर्गा, मुर्गी. डॉग का होता है पिच. बैचलर, मेड, ठीक है. बैचलर का मीनिंग होता है कि वो पर्सन जिसकी शादी नहीं हुई हो, ठीक है, मेल पर्सन जिसकी शादी नहीं हुई, और उसका फेमिनाइन होता है मेड. या स्पिंस्टर भी होता है, बैचलर का फेमिनाइन होता है स्पिंस्टर भी बोलते हैं उसको. अगर वो लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, स्पिंस्टर. गैंडर, गूस. गैंडर का मीनिंग होता है नर हंस. मेल हंस जो होता है ना उसको गैंडर बोलते हैं, और फीमेल को बोलेंगे गूस. जेंटलमैन, लेडी. हॉर्स, मेयर. हॉर्स मीन्स घोड़ा, मेयर मीन्स घोड़ी. हस्बैंड, वाइफ. आपको इसका मीनिंग मालूम है. सन, डॉटर. बेटा, बेटी. अर्ल, काउंटेस. अर्ल वही जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा था ना, काउंट का जेंडर होता है फेमिनाइन, काउंटेस. ब्रिटिश पर्सन जो काफ़ी हाई पोस्ट पर हो उसको अर्ल या काउंट, दोनों वर्ड होते हैं उसके लिए, और उसका फेमिनाइन होगा काउंटेस. अंकल का होगा ऑन्ट. नेफ्यू, नीस. भतीजा, भतीजी. मॉन्क, नन. मॉन्क होता है साधु, साध्वी. डियर, डो. डियर मीन्स हिरण, डो मीन्स हिरणी. सर, मैडम. किंग, क्वीन. किंग मीन्स राजा, क्वीन मीन्स रानी. मैन, वुमेन. मैन मीन्स आदमी, वुमेन मीन्स औरत, ठीक है. यहाँ पर कुछ फेमिनाइन्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स दिए हुए हैं. कंपाउंड नाउन्स का मीनिंग होता है कि जो नाउन वर्ड्स टू वर्ड्स से मिलके बने हुए होते हैं तो उनको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन्स. यहाँ पर देखिए आप मैस्कुलाइन वर्ड ही, गोट, ठीक है. यहाँ पर ही एक अलग वर्ड है और गोट अलग वर्ड है, ठीक है. तो ये कंपाउंड नाउन हो गया, है ना, टू वर्ड्स से मिलके बना हुआ तो कंपाउंड नाउन कहलाएगा. तो इसका फेमिनाइन होगा शी गोट. ही की जगह हम शी कर देंगे, शी गोट, ठीक है. गोट मीन्स बकरा, ही गोट. अगर गोट के लिए आप बोलते ही गोट तो उसका फेमिनाइन हो जाएगा शी गोट. ग्रैंड फादर, ये टू वर्ड्स ग्रैंड एंड फादर से मिलकर बना है तो इसका क्या हो गया फेमिनाइन, ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर,
मिल्क मैन, ये भी टू वर्ड से मिलके बना हुआ है इसलिए कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड नाउन है, मिल्क मैन मिल्क मेड, मेल अगर तो मिल्क मैन हो जाएगा और फीमेल अगर मिल्क बेचने वाली पर्सन तो मिल्क मेड कहलाएगी वो, ही बेयर शी बेयर, ठीक है। पी कॉक पी हैन, ये भी देखिए पी एंड कॉक टू वर्ड से मिलके बना है, यहाँ पर पी हैन। पी कॉक मीन्स मोर मोरनिंग, लैंड लॉर्ड लैंड लेडी, लैंड लॉर्ड मीन्स मकान का मालिक और वो मकान का मालिक अगर मेल है तो लैंड लॉर्ड और फीमेल है तो लैंड लेडी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमने कुछ फेमिनाइन जेंडर को मैस्कुलाइन जेंडर से फॉर्म्स करने के लिए जो रूल्स पढ़े हैं, आपको इन रूल्स को और मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर्स को प्रॉपरली लर्न करना है, ठीक है। सो लर्न ऑल दीज वर्ड्स एंड इफ आई गिव यू सम वर्क रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज, सो डू दिस दैट वर्क ऑल्सो इन योर फेयर कॉपी एंड रिमेंबर टू लर्न दीज मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वर्ड्स, ओके। आगे की बैक एक्सरसाइज हम आगे की क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।